हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मेरी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 रेयर फेडेड व्हील के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना, और अगर उससे पहले हमारे चैनल पे न्यू आए तो गाइस क्या कर रहे हो, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, बिकॉज लाइक करना बिल्कुल ही फ्री होता है। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तो हम आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। एंड चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉप 5 पे, जो 5 नंबर पे हमारा बंडल है वो है ये वाला बंडल। तो आप देख ही सकते हो इटर्नल डायमंड बंडल। तो इसके लुक की बात करें तो इसका लुक तो बहुत ही ओपी है। तो आप देख ही सकते हो कि कितना अच्छा बंडल दिखने में लग रहा है। एंड आप इसके पेन में देख सकते हो कि बहुत ही बढ़िया सा एनिमेशन दिख रहा है। तो अगर आपके पास ये वाला बंडल है तो आपके पास एक रेयर फेडेड व्हील है, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। तो आपको बहुत सारी लाइक मिलेंगी। तो अगर आपके, आप देख सकते हो हमको यहाँ पे कार 98 की स्किन मिल चुकी है। तो आप देखिए कि ये बंडल दिखने में कुछ ऐसा है, और इसकी हेयर स्टाइल भी मतलब हर बंडल से यूनिक है थोड़ी। तो आप, ये बहुत ही मतलब रेयर बंडल है, तो फ्यूचर में इसकी बहुत डिमांड होगी। अगर आपके पास ये बंडल है तो आपके पास एक रेयर बंडल है। एंड आप देख, मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये बंडल कुछ ऐसा दिखने में, तो बहुत ही ओपी बंडल है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नंबर 4 बंडल की बात करें तो वो है जेंटल बाय मैन बंडल। तो आप देख ही सकते हो इसकी जो टी शर्ट या तो टॉप, आप जो बोलना चाहो बोल सकते हो, तो वो बहुत ही ओपी है। एंड इसकी हेयर स्टाइल भी बहुत ओपी है, बिकॉज ऐसी हेयर स्टाइल हमारे फ्री फायर में पहली बार आई है। और ये मतलब बहुत ही रेयर बंडल है, बहुत ही कम लोगों के पास है, बिकॉज इसमें बहुत सारे डायमंड लग जाते हैं। तो बहुत ही जो पैसे वाले जो प्लेयर्स होते हैं वही इसको निकाल पाते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको फार्मर्स की स्किन भी देखने को मिल रही है। एंड यहाँ से चलिए नेक्स्ट स्पिन करते हैं। तो यहाँ से डायमंड रॉयल फाइनली हमको निकल चुका है। एंड अब क्या निकलेगा, मैजिक क्यूब भी निकलेगी। तो गाइस ये जो फेडेड व्हील है इसमें ज़्यादातर तो सब फिक्स ही होता है, बिकॉज इसमें जो बंडल है वो आखिरी में ही निकलता है, तो किसी को भी बंडल पहले नहीं निकलता। तो आप देख सकते हो फाइनली मुझे यहाँ पे बंडल निकल चुका है। तो मैं आपको इस बंडल से कॉम्बिनेशन करके भी बता देता हूँ कि ये बंडल से कितने अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन होते हैं। तो चलिए करके दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन लग रहा है। यहाँ से आप देख सकते हो ये हेयर स्टाइल के साथ ये बंडल कितना अच्छा लग रहा है, और ये एशियन स्कार्फ के साथ भी। तो आप ऐसे कॉम्बिनेशन करके इस बंडल का मतलब बहुत ही यूज़ कर सकते हो। तो हमारी नंबर 3 पे जो बंडल है तो वो बहुत ही मतलब अच्छा बंडल है और ओपी बंडल है, जो कि हमारा एशियन क्रॉस बंडल। तो आप इसको जानते ही होगे अगर आप पुराने प्लेयर हो। तो इससे गरीना ने जो हमारा कोलैबोरेशन हुआ था और ये बंडल हमारे फ्री फायर में आया था। तो गाइस आप देखिए, तो हमको फाइनली ये बंडल मिल चुका है, वो भी सिर्फ 3 स्पिन में। तो गाइस आपके पास ये बंडल है कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं आपको ये बंडल जो वॉलेट में जाके बता देता हूँ कि बंडल कितना अच्छा दिखने में लगता है। तो आप देख सकते हो इसका अमाउंट ही कितना ओपी है, एंड बंडल भी इसी के साथ बहुत ही ओपी है। तो अगर आपके पास ये बंडल है तो आपके पास एक जो रेयर फेडेड व्हील है, एंड अगर आप इसको पहनते हो तो आपको बहुत सारी लाइक मिलेंगी। तो चलिए अब हमारी बात कर लेते हैं नंबर 2 बंडल की। तो आप देख सकते हो जो हमारा नंबर 2 बंडल है वो ये वाला बंडल है, जो कि आपको मतलब ये भी एक कोलैबोरेशन हुआ था गरीना के साथ। तो ये बंडल आपको जब ही देखने को मिला था, एंड आप देख सकते हो ये बंडल का लुक बहुत ही ओपी है। एंड आपको इसके साथ जो कार 98 की एक स्किन देखने को मिली थी, तो ये वाली है कार 98 की स्किन। एंड अगर आपके पास ये वाला बंडल है तो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं आपको जो मतलब हमारा ये वाला जो बंडल है ये ओपन करके दिखा देता हूँ कि बंडल दिखने में कैसा है। तो चलिए वॉलेट में देख लेते हैं बंडल कैसा है। सबसे पहले तो यहाँ से, हाँ, बंडल में आ गए हैं। तो आप देख सकते हो कि इसका जो पैंट एंड जो टॉप है वो बहुत ही अच्छा दिखने में लग रहा है। एंड आप इसके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन करोगे तो वो बहुत ही ओपी लगेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं बहुत ही मस्त अभी कॉम्बिनेशन करूँगा। तो आप देख सकते हो कि कितना ओपी बंडल लग रहा है। एंड इसकी शर्ट है वो बहुत ही ओपी है। तो अगर आपके पास ये बंडल है तो बहुत ही रेयर बंडल है। नंबर 1 बंडल की बात करें तो वो है एफएफसीएस
इसमें अभी जो बंडल आया था तो ये बंडल बहुत ही ओपी है, मुझे सबसे अच्छा बंडल यही लगता है, बिकॉज इसकी जो मतलब टॉप है वो इतना अच्छा है कि मैं कुछ बता ही नहीं सकता। एंड जो इसका पैंट है वो भी आप देख ही सकते हो, इसका सभी मतलब ऑल पार्ट्स इसके बहुत ही अच्छे हैं, इसके हेयर स्टाइल भी आप देख सकते हो, तो इसकी हेयर स्टाइल बहुत सारे प्लेयर्स यूज़ भी करते हैं। एंड यहाँ पे ग्रोजा की स्किन भी आपको देखने को मिल रही है, प्लस ये बंडल भी बहुत ही ओपी है। तो आपके पास ये बंडल है या नहीं कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फाइनली हमको ये बंडल यहाँ से निकल चुका है, तो आप देख सकते हो। तो आपके पास ये बंडल है या नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो बंडल पहन लिया है। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।